चिक्स तुम्हें नहीं खोलने वाला मैं, चलो अंदर ही रहो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं जल्दी से इनको ना चावल खिला रहा हूँ आज, क्योंकि आज हमारे पेट्स की होने वाली है दावत, तो आ जाओ आज चावल खा लो, वो भी बिरयानी। ओ भाई हीर रांझे को देखो, हीर रांझे को देखो खाता हुआ, इतनी भूखी। ओहो क्या हो गया, पता नहीं रैबिट्स को पसंद है या नहीं है, वो तो घास ही खा रहे हैं। दोस्तों मैं बादशाह को ढूंढ रहा था, पता नहीं किधर चला गया। मुझे फिर याद आया मैंने इसको ना इधर बंद किया था रानी के साथ। आजा रानी, रानी तो निकल गया, बादशाह किधर गया? बादशाह आजा 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 आजा, चावल आया मैं, दावत खा, भाग भाग। हाँ भाई कैसे हो? इनको तो पूरी रात इधर ही बंद किया, पता नहीं इनकी न्यू जगह पड़ी इनको कैसी लगी है। यार ये जगह छोटी मुर्गी के अंडे देने वाली की है। चलो कबूतरों बाहर आ जाओ, उसने अंडा देने। ना डरो ना डरो ना डरो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। यार मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इनको डाइट रखता हूँ, ये डर जाता है मेरे से। इसकी जगह भी ऐसी है, मैं क्या करूँ? बाहर नहीं आना मैंने, फिर बाहर नहीं आना। अंदर 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 अंदर। ओए यार ये अगर बाहर निकल आते ना इनको पकड़ना इतना मुश्किल होता है, इतने तेज हो गए मैं क्या बताऊं। दोस्तों कल जो हम न्यू पैरट्स नहीं ले आए ग्रीन वाले, उनके लिए आज मैं स्पेशल दाना ले रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर मूंगफली भी मिक्स है और ये बहुत बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक बीज, तो भाई कह रहा है ये बहुत शौक से खाएंगे। अब जल्दी से चलते हैं सुपर केज में, अपने सब पैरट्स को डाइट डालते हैं। हाँ भूखे लग रहे हैं, वो देखो येलो वाले तो इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कल तो नजर ही हमें नहीं आ रहे थे, थोड़े डर रहे थे हमारे से। गोलू मोलू हेलो। यार ये ऊपर से ना पर्दा दोबारा जो उड़ा था ना कल, अभी मैं लगा देता हूँ क्योंकि धूप का टाइम हो गया। आज धूप भी आ रही है, कल बिल्कुल मौसम सही था। ओ हो दोस्तों ये बहुत भूखे थे सुबह से ना, मुझे भी लग रहा था ये भूखे हैं। ये देखो सारे के सारे डाइट खा रहे हैं। गोलू मोलू, गोलू तो खा रहे हैं, मोलू कहाँ है? मोलू ऊपर बैठा है, आ जा मोलू। इनको ना थोड़ा छांव में रख देता हूँ, धूप में ना बैठे। एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बैठ रहो। दोस्तों मैंने ना ऊपर से दोबारा अपने पूरे सुपर केज को कवर कर दिया, ठीक है ना। हाँ, गर्मी बड़ी तेज थी, पर्दे वाले क्यों नहीं है यार? क्या हाँ आज मैं अभी पर्दे वाले को फोन करता हूँ, क्योंकि जो उधर हमने स्टैंड लगाया है ना उस जगह पे ना हम ऊपर जो पर्दा लगवा रहे हैं उसको बुलाते हैं, क्योंकि आज काम हो जाना चाहिए यार, बोल रहा गर्मी है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पी लो। मुझे पता है तुम्हें प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। दोस्तों मौसम अचानक ही चेंज हो गया, कल तो बारिश थी बहुत अच्छा मौसम था और अभी बहुत तेज धूप हो गई है। देखो कितने प्यासे हैं ये। दोस्तों अंडे वाले कबूतर पानी पीने आए हुए हैं, मैं आपको इनके बच्चे दिखा देता हूँ। आंखें भी इनकी खुल गई हैं। आगे वाले को चेक करते हैं, इसकी आंखें नहीं खुली आगे वाले की, क्योंकि ये वाला जो आगे आगे पड़ा है ना ये एक दिन पहले आया था। आज सुबह मैंने ना इनको पूरी परात चावलों की भर के रखी है बिरयानी की, चट मट कर गए, सारा का सारी खत्म कर गए। दोस्तों मैं अपने सब रैबिट्स को ढूंढ रहा था, पता नहीं किधर चले गए, एक भी नजर नहीं आ रहा था, अभी अभी मुझे नजर आ गए हैं। ये देखो ये अंदर क्यों चले गए हो, बाहर आओ। वो देखो सारे अंदर गए बैठे हैं, असल में धूप है ना, धूप से बचने के लिए ना अंदर केज के अंदर जाके बैठे हैं। हाँ भाई तुम बच्चे कब दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे कब आएंगे? दोस्तों ये भी नॉन स्टॉप अंडों पे बैठे हैं लेकिन अभी तक बच्चे नहीं आए। एक घोंसला मैंने कल इधर बनाया था इस वाली फीमेल के लिए, लेकिन अभी तक इसने अंडा नहीं दिया। ये देखो जब ये ऐसे करते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखो सुबह सवेरे हमारी छोटी मुर्गी ना अंडा देने गई थी। ओ देखो, वैसे मुझे ना अचानक याद आया, मैंने कहा ये अंडा देने गई थी सुबह, तो फाइनली अंडा आया भी पड़ा, तो जल्दी से उठा लेता हूँ। ओहो मैंने इनको पानी का पूरा बाउल रखा है, ये नहाने शुरू हो गए हैं। हमारी ब्लैक वाली असील मुर्गी ना अंडा देने की ना कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जगह पे ना सारे रैबिट्स हैं, बार बार इधर आ रही है, तो मैं रैबिट्स को निकालता हूँ बाहर। आ जाओ भाई आ जाओ, ओ यार आ जाओ, ये भी आएंगे देखना भी आएंगे। इधर डालता हूँ डाइट, वो देखो सारे आ गए सारे आ गए सारे आ गए। अब ये जाके आराम से अपना अंडा दे सकेगी अंदर। मिनी फौज को खोल ही देते हैं, मिनी फौज कब से इंतजार कर रही है। एक तो यार ये क्या बोलूँ मैं, अब आना बाहर आना। ये देखो इतनी जल्दी इतनी जल्दी, चलो वन टू थ्री भागो। ओ किधर भाग रहे हो, कहाँ 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 जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? ये देखो अपने से बड़ी चीजें तुमने खानी है, हैं? ये देखो ये शॉपर लगा हुआ, ये खींच रहे थे नीचे जमीन से, ये फिक्स हुआ पड़ा है।
दोस्तों ये कौवा रोज आता है, टैं 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 शुरू कर देता है। ये देखो, ये देखो, जो चावल हमने सुबह मुर्गियों को दिए थे ना, मिनी फौज वो ही खाई जा रही है। वो थोड़े से जो बचे हुए थे इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे तो लगता है आज पूरे पेट हाउस की सफाई इन्होंने की है, ज़्यादा थके हुए हैं ये। ये देखो, ये सोए ऐसे पड़े होते हैं बिल्कुल लंबे हो गए, इतने थके हुए नज़र आते हैं ये। पता नहीं दोस्तों कालू रैबिट की आंखों पे क्या हो गया। ये देखो, अगर आपको कोई दवाई पता ना मुझे बता दो कमेंट्स में, तो इसके लिए वही दवाई ले आऊँगा, वो इसकी आंखों पे लगाऊंगा। ये देखो इसको भी हो रहा है हल्का हल्का, या साथ साथ फिरते रहते। उड़ भी जाया कर पूरा दिन बैठ रहे थे। उड़। अब इसको उड़ाता हूँ मैं। हो गया, बस यहीं तक उड़ते हो तुम, बस आ जाओ इधर आओ। हाँ बताओ, बेचने हैं। दोस्तों ये भाई मेरे पास आए हैं, ये साथ ही रहते हैं, तो ये कह रहे हैं ये चूजे हैं हमने बेचने हैं। ये फार्मी है, ये फार्मी है। हाँ। अच्छा, और ये देसी है, ये देसी है। आप तो महंगे बता रहे हो यार, इतने तो मार्केट से भी सस्ते मिल जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे करते हैं इसे ना एक दो परचेज कर लेते हैं, बाकी आप खुद पाल लो, ठीक है। हाँ दो मुझे दे दो, एक ये वाला दे दो, एक ये वाला, और जो एक नीचे फिर रहा वही बस। चल चलो जाओ अपने न्यू दोस्तों के साथ। दोस्तों इससे मैंने एक ये वाला और एक वो जो कोने में घुस गया ये वाला परचेस कर लिया है। चलो आपका दिल भी खुश रहेगा, ठीक है ना। वैसे मुझे मेरा दिल नहीं था परचेस करने का, मैंने कहा छोटे बच्चे हैं चलो इनका दिल खुश कर दो। हमारा असील बच्चा न्यू चूजे को मार रहा है। ओए उधर, बेचारा अभी न्यू चूजा आया उसको मारने खड़ा हो गया, इसके काम देखो आप। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ना मैं पेप्सी ले आया हूँ, थोड़ी सी पेप्सी इधर डाल देता हूँ। आओ 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 पी लो पी रहे हैं पी के देख रहे हैं। पसंद आ गई है इनको। दोस्तों हमें जिस चीज़ का एक महीने से इंतज़ार था ना वो लम्हा आ गया। तो ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं इतना खुश क्यों हूँ बड़ा, क्योंकि हमारी बबली हो गई है कुड़क, उसके नीचे हम ये रखेंगे और जितने सारे के सारे अंडे पड़े हैं आज इसके नीचे रख देंगे। कैसे हो गई है ना पक्की कुड़क है ना। ओहो बड़ी खुशी है मुझे, वैसे एक अंडा रख के हमने पहले चेक कर लिया तो ये कन्फर्म कुड़क है। चलो मैं अंडे जल्दी से ले आता हूँ, सुभान ने घोंसला बना दिया VIP सा, इसमें लेके आता हूँ मैं अंडे। मैं बड़ा खुश हो गया हूँ दोस्तों, आज हमारी बबली कुड़क हो गई। काफी दिन से हमारे अंडे इसी जगह पे पड़े हैं, आज इनका भी इंतजार खत्म, ये चले जाएंगे अब मुर्गी के नीचे। अब बबलू ने बहुत शोर मचाया हुआ है, ये समझ रहा शायद हम बबली को पकड़े हैं। यार बबलू भी बस, ये देखो सारे के सारे अंडे आ गए, इनको ख्याल से लेके जाना है, गिर ही ना जाए। मैंने अंडे गिने नहीं है, ये देखो अब गिनते हैं 2, 4, 6, 8, ये हो गए 10, 12, 14, 16, 18। घोंसला छोटा पड़ गया, इतने सारे अंडे हैं घोंसला छोटा पड़ गया। और लेने चलो प्लाली, ये 20। हाँ और प्लाली लेनी पड़ेगी ना हमें, ये 22 और ये 24, 26। सबसे छोटा अंडा ये है, सबसे 26। यार सुमान कैसे बैठेगी इसके ऊपर, यार छोट काम में प्लाली और लेने चलो। नहीं प्लाली की बात नहीं है, मुर्गी इसके ऊपर सारे के ऊपर फैलाव कर लेगी। अच्छा ये भी काम में है। ओहो ये 27, एक अंदर पड़ा है 28 अंडे। ए बबलू चुप कर जा यार, बबलू क्या हो गया, आ जा बाहर, इतना शोर मचा रहे। हमने दोस्तों और प्लाली मंगवा ली है और अब अच्छा सा नेस्ट बनाते हैं इसके लिए, ताकि 20-21 दिन ना पड़े, आराम से इसके गुजरे और प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे निकल जाएं। हाँ अब सही है, कितना खूबसूरत नेस्ट लग रहा है इसका और इतने सारे अंडे। एक अंडा अंदर है आसमान, वो भी उठा लियो। आज कालू रैबिट अंडे देखने नहीं आया, किधर है वो पहले अंदर घुसा बैठा। यार अब कालू रैबिट का क्या किया जाए, जो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी हो ना उसके साथ जाके बैठ जाता है, इसको तो पहले बाहर निकालो। दोस्तों सुभान मुझे कह रहा है इसकी जगह ये सही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी मुर्गियां बंद होती हैं, तो इसकी जगह मैं कहता हूँ चिक हाउस में बना देते हैं, आराम से बैठ जाएगी, ठीक है सुभान। और मैं आप बबली को बाहर निकालता हूँ, इसकी जगह चेंज करके आराम से इसको बिठा देते हैं। ये वाला अंडा हमने पहले चेक करने के लिए रखा था, और ये भी इनके साथ पहले वालों के साथ।
आपने तो अंडे दिए नहीं है, हमने ये जगह मुर्गी को दे दिया, हट जाओ आप, चलो नीचे। आप सिर्फ इधर रह गया तो सिर्फ बबली का आना रह गया, बाकी तो जगह कंप्लीट है। पकड़ो सुबानी बबली को और इधर बिठा दो। ये बबली आपकी है न्यू जगह, बैठेगी बैठेगी, देख रही है देख रही है। हाँ ये सेटिंग कर रही है ना। चलो इसको बंद कर दें, आराम से बंद कर दो और फिर मिलते हैं इसको हम ब्रेक के बाद। सुबहानी आखिरी दफा चेक करने जा रहा है बैठी है नहीं बैठी। बैठ गई है, बैठ गई है, मुबारक हो मुबारक हो। दोस्तों आज मैं इतना खुश हो रहा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। अपने सब पैरट्स के लिए ना डाइट ले ही आया हूँ, ये सॉरी डाइट बोल रहा हूँ यार, मैं दवाई ले आया हूँ। मुझे थोड़े थोड़े बीमार नजर आ रहे थे, मैंने सोचा अब ये सही हो जाएंगे। और ये नमक है पड़ा, जब ये नमक चाटेंगे ना इनको भूख ज्यादा लगेगी। ये पर्दा तो आ गया है मामू, वो अंकल नहीं आए पर्दे वाले, ये अंकल ही कर रहे हैं। आप खुद लगा रहे हो? ओ भाई मैंने समझा था मामू ना किसी और को बुलाएंगे काम के लिए, मामू कह रहे हैं मैं खुद ही लगाऊंगा कल, तो कल हो जाएगा ना इंशाल्लाह। पर रात ही रात खत्म हो जाएगा, रात ही रात, रात ही रात खत्म। फिर तो अच्छी बात है, रात को हमारा अगर पर्दा लग गया तो। ये देखो मैं ना धूप के टाइम ये रख के गया था इसके आगे लटका के, तो इसको अब ऊपर करते हैं फिर ना, जल्दी से इनको दवाई खिलाते हैं। दोस्तों मैंने ना सुपर केज के ऊपर से देखा, ये देखो वो जो इनकी लोटकियां है ना उसके अंदर इन्होंने सारा दाना यहाँ से उठा के उसके अंदर डाल दिया, तो मुझे लगता है बजरी तोतों का काम है, ये अंडे बच्चे देने वाले हैं इनके लिए ना, जल्दी से पलाली लेके आएंगे आपको सुबह। हाँ जो अभी हमने ना मुर्गी के नीचे रखी है ना जो कूड़ा कुई है, वही नेस्ट इनके लिए लेके आएंगे, तो सारे इसके अंदर डाल देते हैं। पानी वाला बर्तन अंदर से उठा दो, मैं ऐसा करता हूँ इसके अंदर दवाई बना के आता हूँ जल्दी से। ये साफ करो, साफ कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत गंदा हो गया। और यहाँ से मामू खुद पर्दा लगा रहे हैं, ये देखो पर्दा भी काफी अच्छी क्वालिटी में है, ये जो जाली है ना ये बहुत मोटी है और काफी धूप से बचा हो जाएगा, और फिर हम अपना काम भी मिनी जू का और स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत सारा काम करना है अभी, बस आपने जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना है। ये जितना पानी है ना इसके अंदर डालनी है सिर्फ ये इतनी बस। दवाई वाला पानी मैंने नीचे रखा है, ये स्पेशल इस तोते के लिए है, वो जो सबसे एंड में बैठा है ना येलो हार्ट, ये वाला, ये तो कुछ ज्यादा बीमार है, पता नहीं कब सही होगा। दोस्तों जो हमने सुपर केज के ऊपर ये तरपाल लगानी है ना, और उसकी हम अभी कर रहे हैं पेमाइश, क्योंकि जब सारी नाप हो जाएगी ना इधर सारी यहाँ से ऐसे चलेगी, और जो हम लगवा रहे हैं ना तरपाल वो तारों के ऊपर चलेगी, हम जब मर्जी बंद कर सकते हैं जब मर्जी खोल सकते हैं। और मामू खुद ही कारीगर हैं पड़े, एक वो बोले मेरे मामू भी कारीगर हैं। दोस्तों ये वाला काम तो होता रहेगा, बहुत टाइम लग जाना है, तो आज का व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपको दिखाता हूँ गोलू मोलू किधर है। अंडे देने की तैयारियां हो रही हैं। हमें दोस्तों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ये पर्दा लगाने के लिए, हमने कहा पहले लगाते हैं उसके बाद और काम, क्योंकि पेट्स को बहुत गर्मी लग रही थी, हम रात को भी काम कर रहे हैं। आज रात को हम सारी स्टील वाली तारें बांध देंगे और आप सुबह देखना बस, तो सुबह भी पर्दा का काम होना है, तो बाय बाय।